नमस्कार, मैं उर्विका सरस्वती, न्यूज 64 में आपका स्वागत करती हूं। उत्तराखंड में हो रही रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने खास तौर पर कुमाऊं क्षेत्र में तबाही मचा दी है। बारिश का सबसे ज्यादा असर तालों के लिए मशहूर और टूरिस्ट स्पॉट नैनीताल पर दिखा। इस पटरी पर जहां रेलगाड़ी दौड़ा करती थी, भारी बारिश की वजह से वो खुद तैर रही है। उत्तराखंड में काठ गोदाम और दिल्ली से जोड़ने वाला हिस्सा हल्द्वानी में भारी बारिश की वजह से बह गया। कुमाऊं के डीआईजी नीलेश भरने ने बताया कि अब तक 46 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और दुरुस्त इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। उन्होंने बताया कि अलग अलग इलाकों में ऑपरेशन चल रहा है। जिन इलाकों में गाड़ियों का जा सकने की स्थिति नहीं है, फोर्स वहां पैदल जा रही है। आपदा का केंद्र नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर और रामगढ़ के इलाकों में रहा है। मंगलवार को नैनीताल की ओर जाने वाली सारी सड़कें कई जगह मलबा आने की से बाधित हो गई थी, लेकिन डीआईजी भरने ने बताया कि सभी सड़कों को खोल दिया गया है और अब तक ट्रैफिक सुचारू हो गया है।